हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंगर किचन। तो आज मैं एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है कोकोनट बर्फ़ी। तो आज मैं भगवान को भोग चढ़ा रही थी, सोचा आपसे भी यह रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ही नारियल लिया है, वो भी छोटा साइज़ का नारियल है, जिसमें मैंने कुछ इलायची के दाने देकर एकदम स्मूथली पेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा पानी मिला है, नहीं तो वरना पेस्ट नहीं होगा मिक्सर ग्राइंडर में। तब कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम नारियल जो पेस्ट किया हुआ है वो दे देंगे और इसे भून लेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी न सूख जाए। तो मैंने यहाँ पे एक ही नारियल यूज़ किया है, अगर आप ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं तो आप दो भी ले सकते हैं। अब जब तक इसका पानी न सूख जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए इसका पानी सूख चुका है, हम इसी के साथ चीनी मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप नारियल लिया है और यहाँ पे 1.5 कप मैंने 1.5 कप मैंने चीनी दिया है। और आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी के अनुसार ही दीजिएगा। तो चीनी को गल जाने तक हम इसे भूनते रहेंगे और इसे कढ़ाई में ज़रा भी लगने नहीं देंगे, वरना ये लाल कलर का रंग ले सकता है। तो इसे हम लगातार भूनते ही रहेंगे, करछी को हम हिलाते ही रहेंगे वरना नीचे लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी नारियल मैंने लिया है, मैंने नीचे काला वाला हिस्सा नहीं लिया है, ऊपर वाइट वाला ही हिस्सा लिया है। तब इसी के साथ हम 1 चम्मच मैदा मिला देंगे जिससे जो बर्फ़ी है एकदम वाइट कलर का होगा। और 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अब फिर से लगातार करछी को हम हिलाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कढ़ाई में ना लगे, नहीं तो इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा, वाइट नहीं होगा। फिर ये जब तक पूरा ना सूख जाए तब तक हम इसे, देखिए अभी कैसा टाइट हो रहा है, कड़छी कढ़ाई में चल नहीं रहा है, तब तक हम इसे हिलाते ही रहेंगे। देखिए लगभग तैयार हो गया है, अब इसे हम एक दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अभी देखिए इसे हम जो भी बर्फ़ी का आपके पास मोल्ड है उसमें देकर, पहले छोटा छोटा बॉल बनाकर उसमें दे दीजिए, फिर इसका शेप दे दीजिए जो भी मोल्ड है आपका बर्फ़ी का, या फिर आप गोल गोल भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप गोल गोल आकार का भी शेप दे सकते हैं हाथ से लड्डू की तरह। देखिए कितना वाइट हो गया है ये, और ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो एकदम वाइट हो जाएगा। ऐसा करके एक एक करके आप गर्म रहते रहते सब बना लीजिए। ठंडा होने पर ये फिर कोई शेप नहीं लेगा। देखिए देखिए मैंने एक एक करके सब ऐसा बना लिया। मेरे पास ऐसे 2 तरह के मोल्ड थे, तो मैंने ये दूसरा मोल्ड है जिसमें मैंने एक बर्फ़ी का शेप दे दिया है। देखिए कितना चला पान की पत्ती की तरह, ये हार्ट शेप का है, और ये फूल की तरह ये वाला मोल्ड है, और कुछ मैंने ऐसे गोल गोल भी बनाए हैं। आप ऐसा, आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। एक गिर गया, देखिए
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब जितना ये ठंडा होगा इतना ही वाइट हो जाएगा एकदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।